Assalamu alaikum, my dear students. Hope you all are fine. This is your science class, and today we are going to start our new chapter, Food, Health and Hygiene. And your topic is on page number 47. तो चले start करें हम. तो हमारा जो lesson है वो है lesson number 5. Lesson का नाम क्या है? Food, Health and Hygiene. Food means खुराक, गिजा जो हम खाते हैं. हेल्थ हमारी सेहत और हाइजीन सफाई, चाहे वो हमारे अपने जिस्म की हो या अपने घर की या माहौल की जहाँ पे हम रहते हैं. आपको पता ही है बेटा, सभी लिविंग बीइंग्स जो है उनको फूड की ज़रूरत होती है ज़िंदा रहने के लिए, और हेल्दी सेहतमंद रहने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? फूड की. ये फूड जो है ये हमें कहाँ से मिलता है? ये हमें प्लांट्स से भी मिलता है और एनिमल्स से. समझ आ रहा है बेटा? हाइजीन जो है यानी ये सफाई जो है ये एक एसेंशियल कंपोनेंट है, ये एक बहुत ही अहम जूज है हमें हेल्दी रहने के लिए और अपने आप को बीमारियों से बचाने के लिए. सिर्फ यही काफ़ी नहीं है कि हम कौन सा फूड सिलेक्ट करें खाने के लिए, बल्कि ये भी ज़रूरी है कि उसको कैसे पकाया जाए और फिर उसको किस तरह से कंज्यूम किया जाए, किस तरह से हम उसको फिर खाए, अपने लिए इस्तेमाल करें सही तरीके से, साइंटिफिक तरीके से और हाइजीनिक और सफाई से, ताकि हम अपने आप को बीमारियों से बचा सके और हम सेहतमंद भी रह सके. यानी इतना ही ज़रूरी नहीं है कि किस तरह का खाना हम खाए, बल्कि खाना किस तरह से हम पकाए और उसको फिर कैसे हम इस्तेमाल करें, ये भी बहुत ज़रूरी है. अब जो है आपका टॉपिक वो है फूड एंड हेल्थ, हमारी खुराक और हमारी सेहत, क्योंकि ये दोनों आपस में रिलेटेड है. हमारी फूड जो है वो नेसेसरी है, बहुत ही ज़रूरी है सभी लिविंग बीइंग्स के लिए. सभी जानदार जो है उनके लिए फूड ज़रूरी है. समझ आ रहा है आपको? हमें फूड ज़रूरत होती है बैलेंस्ड, एक मुतवाजिन गिज़ा हमें चाहिए ताकि हम प्रॉपरली ग्रो कर सकें, अच्छी तरह से बढ़ सके, नशोनुमा पा सके और डेवलप हो सके. जो ही हमारी ग्रोइंग स्टेज होती है, जैसे आप बच्चे हो, इस वक्त आप ग्रो कर रहे हो, तो आपकी बॉडी को मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है. जैसे आपने पहले भी पढ़ा कि हमें कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत पड़ती है, प्रोटीन्स की, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स और पानी की भी. ये सभी न्यूट्रिएंट्स जो हमारे फूड में हैं, ये एक ही फूड में हमें नहीं मिलते हैं, ये डिफरेंट फूड आइटम्स में होते हैं. जैसे एक फूड में हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है तो दूसरे फूड में प्रोटीन मिल सकता है. इसी तरह सभी न्यूट्रिएंट्स जो है ये डिफरेंट फूड आइटम्स में होते हैं, जैसे दूध में होते हैं, दूध से बनी चीज़ों में होते हैं, मीट, गोश्त चाहिए हमें, सब्जियाँ, फल चाहिए और सीरियल्स, यानी जो चावल लेते हैं हम या मकई वगैरह उनको बोलते हैं सीरियल्स. यानी इन सभी फूड आइटम्स में डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं. समझ आ रहा है बेटा? फूड जो हम खाते हैं उसको कहा जाता है डाइट, गिज़ा. और एक फूड जिसमें सभी न्यूट्रिएंट्स, चाहे प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स सही मिकदार में हो, उस डाइट को हम बोलते हैं बैलेंस्ड डाइट, मुतवाजिन गिज़ा. तो किसको बेटा बोलते हैं बैलेंस्ड डाइट? यानी वो डाइट जिसमें सभी न्यूट्रिएंट्स मौजूद हो और सही मिकदार में भी, सही क्वांटिटी में मौजूद हो, तो उस डाइट को हम बोलते हैं बैलेंस्ड डाइट, मुतवाजिन गिज़ा. और यही बैलेंस्ड डाइट हम प्रॉपरली उससे हम ग्रो कर सकते हैं, अच्छी तरह से नशोनुमा पा सकते हैं. तो ये था आज आपका टॉपिक, किस बारे में? हमारे फूड के बारे में और हाइजीन और हेल्थ के बारे में. उम्मीद है आपको समझ आया होगा. इसमें जो भी अंडरलाइन वर्ड्स हैं इनकी आप बेटा स्पेलिंग्स अच्छे से लर्न करोगे. तो अब हम इसकी रीडिंग करते हैं. फूड, हेल्थ एंड हाइजीन. ऑल लिविंग बींग्स नीड फूड टू लिव एंड स्टे हेल्दी. वी गेट अवर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. हाइजीन इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ हेल्दी लिविंग एंड प्रिवेंटिंग डिजीज. नॉट जस्ट सेलेक्टिंग द राइट फूड choice but also cooking and consuming them in hygienic way is equally important to prevent ourselves from the disease. Food and health. Food is necessary for all living beings. We need food, a wholesome and balanced food for proper growth and development.
At the growing stage, our body needs nutrients like carbohydrates, proteins, fats, vitamins, minerals, and water. All these nutrients are present in different food items like milk and milk products, meat, vegetables, fruits, and grain cereals. The food we eat is called diet. A food with all the essential nutrients in right proportion is called a balanced diet. So, this was your topic. Okay, Allah Hafiz.